नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार की सीएम पद की शपथ ले ली है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बिहार के बड़े सियासी घटनाक्रम में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद महागठबंधन सरकार का अंत हो गया और नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम 5 बजे राजधानी पटना के राजभवन में हुआ। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार आज शाम को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर देश के सबसे ज्यादा बार सीएम बनने वाले नेता बन गए हैं। इसके अलावा 8 अन्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। बता दे, देश में सबसे ज्यादा सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी शपथ ग्रहण किया है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार, जदयू के विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, हम के संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह को भी मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कराया गया है। बिहार सरकार में 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ नीतीश कुमार ने जैसे ही लिया, भागलपुर में जदयू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। भागलपुर के कचहरी चौक पर जदयू के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। जदयू के जिला मीडिया प्रभारी सुपाल भारती ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने आज 9वीं बार शपथ लिया है, इससे हम लोग ज्यादा खुश हैं। आगे उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी भी किसी भी पार्टी किसी के साथ जाकर सरकार बना सकती है। राजनीति में सभी के ये सभी का दरवाजा खुला रहता है। देखिए, लगातार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मौका हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला है। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड परिवार काफी खुश है और भागलपुर जिला जनता दल की ओर से हम लोग यहाँ पे अभी मिठाई बांटकर खुशी जाहिर कर रहे हैं और भागलपुर शहरवासियों को मिठाई खिला रहे हैं और उत्साहवर्धन हम लोग सभी साथी अपने में एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। देखिए, गठबंधन तोड़ने और बनाने का कारण तो माननीय नेता हमारे हैं, वो निर्णय लेते हैं। बिहार के विकास को लेकर, बिहार के जनता के हित में जो लगातार 18 वर्षों से वो कार्य कर रहे हैं और जो जनता का हमको माइंडेट मिला है, जनता दल यूनाइटेड को, उस माइंडेट के आधार पे किसी न किसी क्षेत्रीय दल के साथ हमको गठबंधन करके ही सरकार चलाने का जिम्मेदारी ले सकते हैं। उसी के तहत जिस भी गठबंधन में हम लोग सहजता महसूस करते हैं, हमारे नेता उनके साथ गठबंधन करके और सरकार चलाते हैं। क्योंकि हमारे जो माननीय नेता हैं, जो बिहार के विकास के लिए लगातार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं, उनका कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जिसको हम लोग क्या कहें। हमारे नेता का ये निर्णय है, हम लोग अपने पार्टी के नेतृत्व के निर्णय के साथ हैं। पार्टी का जो सिद्धांत है उस पर हम लोग काम करते हैं और नेता के निर्णय के साथ हम लोग रहते हैं। देखिए, राजनीति में संभावना बना रहता है, किसी प्रकार का भी जो बातचीत होती है, किसी प्रकार का बयान होता है, वो तो आप अपना समय परिस्थिति के हिसाब से नेता का होता है। सामने वाले पार्टी जिस तरह का जवाब करते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन करते हैं, उस तरह का नेता जवाब देते हैं। सीएम नीतीश के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जो उन्होंने जंगल राज को त्याग कर पुनः जनता के जनादेश को स्वीकार कर लिया। अब बिहार में फिर से सुशासन स्थापित होगा और जंगल राज खत्म होगा। पहले भी एनडीए गठबंधन ने बिहार में जो काम किया है वो देश में ही नहीं विदेश में भी गोल्ड मॉडल के नाम से प्रचलित हुआ। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है
कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता, इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगा। वही नीतीश कुमार के एक बार फिर से पाला बदल कर सीएम पद की शपथ लेने के बाद आम जनता में इसको लेकर अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि नीतीश कुमार ने ये सही नहीं किया है, अब उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार ने सही किया है। महागठबंधन में नीतीश कुमार सही से सरकार नहीं चला पा रहे थे, क्राइम बढ़ रहा था। नीतीश कुमार फिर से वापस एनडीए में आ गए हैं, बिहार में सरकार अच्छे से चलेगी और क्राइम पर कंट्रोल होगा। और कुछ जनता क्या कर रही है आपको सुनाते हैं। नीतीश को इस्तीफा देना चाहिए या राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, राजनीति से त्याग लेना चाहिए। तो इस आदमी को सीएम के कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। लेकिन ये जो किया तो बहुत बढ़िया किया नीतीश कुमार। हाँ, कि इसमें घुस करके उसमें निकल गया, उसमें से घुस कर उसमें निकल गया। ये तो रास्ता बदल तो है ही पहले से ही। एकदम गंदा तरीके से देखते हैं। नीतीश को इस्तीफा देना चाहिए या राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? कैसे क्या देखेंगे आगे का, उनको कोई रास्ता नहीं मिला। अब देखा कि कुछ है नहीं, तो इसमें भिड़ जा तो कुछ से कुछ मिलेगा ना। 10 तो 5 ही सही, 5 भी तो मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलता। तो बीजेपी सही किया है? बीजेपी तो पहले से भी सही किया और अभी भी कर रहा है। लेकिन ये जो किया तो बहुत बढ़िया किया नीतीश कुमार। हाँ, कि इसमें घुस करके उसमें निकल गया, उसमें से घुस कर उसमें निकल गया। ये तो रास्ता बदल तो है ही पहले से ही। कभी लालू से मिलते हैं, कभी बीजेपी से मिलते हैं, और बीजेपी को ही कम से कम नीतीश कुमार से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए कि जदयू पार्टी का नीतीश कुमार जो है, जब अपने ललन कुमार को जदयू के पर्दे तक रक्ष हटा सकते हैं, अपने बन सकते हैं, तो ये मतलब ही आदमी है। मतलब है तो सट जाता है, मतलब नहीं है तो नहीं सटता है। तो इस आदमी को सीएम के कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। इस्तीफा दिए हुए हैं, यह सिर्फ अपने कुर्सी के लालच में आरजेडी से अपना रिश्ता तोड़ करके बीजेपी के साथ रिश्ता बना के कुर्सी पर आसीन रहना चाहते हैं। इनको जनता की भलाई, बिहार के विकास से कम मतलब है। अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए यह कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी निचले स्तर पर जा सकते हैं। बिहार का विकास इनसे संभव नहीं है। इन्होंने जो एक्साइज का मामला लाया, वह बिल्कुल ही प्रजातंत्र नहीं, राजतंत्र की बात हो गई। और एक व्यक्ति के द्वारा इतने लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। मैं भागलपुर में एक वकालत का काम करता हूँ, एक्साइज एक्ट की निंदा करता हूँ जो नीतीश कुमार ने लाया है। नीतीश कुमार बार बार पलटी ही मारता है और उनका काम ही है पलटी मारना। थोड़ा विचित्र माहौल बना हुआ है, लोगों को समझ से बाहर लग रहा है। पता नहीं बिहार किस रूट जाएगी और बिहार के लोगों का क्या हालत होगा। बड़ी अजीब बात है कि अभी तो सरकार चल ही रहा था, बढ़िया चल रहा था, लोग नीतीश कुमार पर विश्वास भी करते हैं, भरोसा करते हैं, विकास पुरुष का नाम भी उन्हें दिया है। लेकिन ये बार बार पलटी मारना, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किसी दबाव के कारण ये कुछ न कुछ तो वजह रहा होगा। लेकिन बिहार के लिए बेहतर नहीं है, बिहार के लिए ये बात अच्छी नहीं है। क्या देखे इधर भी पला है तो उधर नीतीश जाता है, इधर तो होता है, इधर नीतीश भिड़ जाता है। बीजेपी क्या करना चाहिए था? बीजेपी को तो इसको ले लेना चाहिए, कहा कि दल बदलू है। कुमार तो बोलते थे कि हम कभी अलग नहीं होंगे चाचा भतीजा, लेकिन ये पलटू राम है, कब किसको धोखा देंगे, कोई जिम्मा खराज नहीं है। और जब सरकार ऐसे करेंगे तो जनता का क्या होगा पता नहीं, और आगे क्या बोलेंगे। नहीं होना चाहिए ऐसा, बीजेपी में रहे तो बीजेपी में ही सब दिन रहे,
राजद में रहे तो गठबंधन में, तो गठबंधन में रहे, ये पलटू का क्या हिसाब किताब है? ये तो पब्लिक बहुत परेशान है इससे। माहिर है पलटी मारने, हाँ पलटी मारने में माहिर है, बहुत दुर्व्यवहार करते हैं पब्लिक के साथ, पब्लिक के साथ न्याय नहीं हो रहा है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भाजपा नेता और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का आज भागलपुर की द्वारकापुरी कॉलोनी स्थित एक विवाह भवन में जन्मदिन मनाया गया। आज का यह कार्यक्रम मंतोष कापड़ी के संयोजन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान निशिकांत दुबे के चाहने वालों ने उनकी फोटो को केक खिलाकर जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने केक काटकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। सांसद निशिकांत दुबे के जन्मदिन के अवसर पर शहर के कई गण्यमान्य चिकित्सक, शिक्षाविद, समाज सेवी, भाजपा के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता उपस्थित थे। किसी विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे BIT का देवघर में जो केंद्र है, कहां मैं बात करूं, इनकी नजरें तो इतनी तीक्ष्ण है कि विपक्षियों को भी लगता होगा कि अगर मेरा मुख मलिन हो जाए, मेरा मन मलिन हो जाए, तो गोड्डा लोकसभा में इत्र संस्थान भी इन्होंने खोला है। प्यारे मित्रों, इत्र संस्थान भी खोला है, लोगों के मन में लगता होगा यह अंग का लाल, यह भवानीपुर का बेटा, उस रत्न गर्भाधरती का बेटा भवानीपुर का, कि भागलपुर के प्रति या अंग के प्रति इनकी सोच है या नहीं। आज आपने देखा होगा, मैं एक वाक्य 1 मिनट में सुनाऊंगा, काहे का भोजन का भी समय है, मैं 1 मिनट में एक वाक्य सुनाऊंगा। 2009 का चुनाव, निशिकांत जी का फोन आया कि मैं मंतोष जी आप फैसला करो कि मैं गोड्डा से लड़ू की धनबाद से लड़ू। विजय बाबू साक्षी है, इस मंच पर है विजय बाबू। हम और विजय बाबू वर्षों से गोड्डा लोकसभा में कम युवाओं के लिए काम करते थे। धरैया विधानसभा हम और विजय बाबू और जनार्दन यादव बरुआचक ही देखते थे प्यारे मित्रों, जबकि मैं उस समय बिल्कुल नौजवान था, LC मोटरसाइकिल था, पीछे में दर्द होता था, लेकिन अब तो एक से एक लगी रही इस गाड़ी। मैंने कहा निशिकांत जी आप बगैर कुछ सोचे समझे गोड्डा से चुनाव लड़िए। तिलका मांझी स्थित एक विवाह भवन में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सहित दूसरे राज्यों से भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर ने इस सेमिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान चिकित्सकों ने बताया कि यह होम्योपैथी से एकदम अलग इलाज है और इसमें कई तरह की बीमारियों का कम खर्च में इलाज किया जाता है। इसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में चिकित्सक मौजूद थे। यहाँ पे साइंटिफिक सेमिनार है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का, होम्योपैथ से अलग है, इसका होम्योपैथ से कोई रिश्ता नहीं, दूर दूर तक नहीं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी पे ये काम करता है और कम पैसे, इसको हम लोग चाहते हैं विकास करने के लिए, गांव गांव घर घर इस पैथ को लोग जाने, इस जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ पे चिकित्सक को इकट्ठा करके गांव में इससे कम खर्च में, जिस तरह से गेस्टाइटिस है, गैस का समस्या है, पैरालिसिस का समस्या है, TB का समस्या है, अगर अंग्रेजी में 5,000 रुपये ठीक हो रहा दिए, 1,000 रुपया मेडिसिन में स्वतः ठीक हो जाता।
भागलपुर के पेंशनर कार्यालय में निर्माण मजदूर संघ और एक्ट 2 की ओर से नव निर्वाचित पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम के दौरान हिस्सा लिया। इस दौरान मजदूरों की हालत और गरीब तबके के लोगों की हालत में किस तरीके से सुधार हो और वो भी अपनी भागीदारी समाज में दे सके, इसको लेकर चर्चा हुई। दोनों चीजें बढ़ रही है तो समाज एक विभाजन के कगार पर है, गरीब अमीर का विभाजन होगा, लेकिन इसी को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। राम का मंदिर बने अथवा जो है देश के भीतर में वो सत्ता का उलट पुलट करके अपना नया ध्रुवीकरण तैयार किया जाए, ये सब कोशिश हो रहा है। कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं राम के आधार पर संगठित किया जा रहा है। जबकि जो भी संविधान और कानून बने हैं भारत में, कुछ दूर तक भारत को ले जाया गया लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर, जहाँ बहुत सारे सुधार हुए। देखिएगा, कल कारखानों का, उद्योगों का सार्वजनिकरण किया गया था, अभी तक बैंक का नेशनलाइजेशन, कोयला का नेशनलाइजेशन, वो जो है ये सब जो हुआ, स्टील का नेशनलाइजेशन, तो एक तरह से सरकारी संपत्ति और उस संपत्ति पर जो है उसका उपयोग करने, विकास के काम का लिए सार्वजनिक अधिकार, ये सब चीज़ें बढ़ी थी कुछ दूर तक। हम ये नहीं मानते हैं कि समाजवाद की ओर चला गया था भारत, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार थे और आज भी उसका अवशेष दिखाई पड़ता है। आज हम यहाँ बाइक के स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अधिकार अंग्रेजों के राज में नहीं था, हमको अधिकार नहीं था कि हम अपना स्टेटमेंट देंगे, खुला मीटिंग करके बुला करके लोगों को करेंगे, ये अधिकार नहीं था। ये अधिकार उस युग में भी नहीं था जबकि राजा रजवाड़ों का राज हुआ करता था, उस समय भी नहीं था, दास युग में भी नहीं था, लेकिन इस सबसे आगे बढ़ते हुए भारत यहाँ पहुँचा था और इसका विकास भी होने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का विकास के साथ साथ इसका भी विकास हो रहा था। अब कोशिश किया जा रहा है